हेलो नमस्ते, ऋतु रसोई घर में आपके स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं भरवा शिमला मिर्च। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ है 500 ग्राम शिमला मिर्च, तो मैंने काट के इसको अच्छे से धो के काट के रेडी कर लिए। तो आपको भी एक काट के मैं दिखा एक काट के आपको भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से काट देना है इसको, अच्छे से साफ करिए। अब इसको अंदर का बीजा को निकाल देना है चाकू की सहायता से। देखिए हमने निकाल दिया, बाकी को भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया। और ये जो है अच्छे अच्छे पार्ट को ले लेंगे, फेंकेंगे नहीं। और अब ये देखिए एक प्याज, एक टमाटर और ये जो निकला है इसको हम बारीक बारीक इसमें कूट लिए हैं, इसको भी मैं फेंकूंगी नहीं। और ये देखिए एक पैकेट सोयाबीन, जिसको मैं पानी में 4 मिनट उबाल के धो के इसको चॉपिंग किए। और 400 ग्राम आलू, और चाहिए लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट, थोड़ा सा बेसन, ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर है, और ये 50 ग्राम बेसन है। बेसन को मैंने छलनी से छान लिए। दोस्तों इस 400 ग्राम आलू को मैंने साफ करके उबाल लिया हूँ, तो अब इसको मैश करेंगे। और इस तरीके से इसीलिए काटा हूँ ताकि गैस में ये जल्दी से उबल जाए। दोस्तों मैंने उबला हुआ आलू को हाथों से मैश कर लिया, बाकी कढ़ाई में मैश हो जाएगा। देखिए हो गया। और ये रहा सोयाबीन, तो इस सोयाबीन में जाएगा थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो चलिए कढ़ाई की ओर। दोस्तों तेल और कढ़ाई दोनों ही गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डालेंगे हम सोयाबीन। इसका मतलब दोनों ही अच्छे से गर्म हुआ, तो सोयाबीन हमारा चिपके नहीं कढ़ाई में। दोस्तों सोया बड़ी फ्राई हो चुका है, अब इसे मैं निकालूंगी। सोयाबीन हमने निकाल दिया, और इसमें आप जाएगा और मस्टर्ड ऑयल, यहाँ 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल है। इसे भी अच्छे से गर्म करेंगे। दोस्तों ये तेल मेरा गर्म हो चुका है, अब इसमें जाएगा आधे चम्मच कलौंजी। और सबसे पहले जाएगा प्याज, एक प्याज बारीक काटे हुए। प्याज तब तक पके तभी दूसरा मसाला डालूंगी। दोस्तों अब मैं लहसुन पेस्ट और अदरक पेस्ट को ऐड करूंगी। और साथ ही में बारीक कटे हुए टमाटर। एक चम्मच नमक, नमक अब अपने हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा। टमाटर पिघलने तक इंतज़ार करेंगे। दोस्तों अब मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च, टमाटर थोड़ा पिघल चुका है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर। देखिए हल्दी पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे इसे भी।
ये रेड चिली पाउडर। तो अब अपने हिसाब से आप तीखा डालिए, मैंने छोटा छोटा 2 चम्मच डाल दिए। दोस्तों मसाला मेरा भून चुका है, अब मैश किया हुआ आलू डालूंगी इसमें, इसे भी अच्छे से थोड़ा भूनूंगी। दोस्तों मुझे थोड़ा भुना हुआ मसाला ज़रूरत है, तो देखिए 1 चम्मच के जैसे धनिया, 1 चम्मच जैसे जीरा, दोनों को फ्राई करूँगी छोटे। दोस्तों ये 1 चम्मच जैसे मैंने यहाँ चाट मसाला डाला, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम सोयाबीन डाल देंगे। दोस्तों अब मैं ये डालूंगी सोयाबीन, जिसको मैंने फ्राई करके रखे, अच्छे से इस दोनों को मिक्स करूंगी। दोस्तों ये पक गया, और जो मैंने धनिया और जीरा को फ्राई किया उसको पाउडर बनाकर इसमें डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगा और इसमें थोड़ा डालूंगी धनिया का पत्ते, इधर थोड़ा धनिया का पत्ता ऐड करूँगी। अब गैस को करूँगी बंद। दोस्तों ये बेसन में 1 चुटकी हल्दी, 1 नमक, थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डालेंगे, अच्छा है तो डालें, अच्छा है तो ना डालें। दोस्तों सारा मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ये गाढ़ा बैटर बनाना है, तो ज़्यादा पानी आप मत डालिएगा, थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो जाए। दोस्तों मेरा बैटर में थोड़ा सा पानी ज़्यादा गिर गया, तो ये देखिए पतला हो गया, तो मैं इसमें 1 चम्मच राइस का आटा मिलाऊंगी, यानी चावल का आटा। तो मुझे गाढ़ा बैटर चाहिए थोड़ा सा। दोस्तों अब बारी है कि इस बैटर को जो मैंने बनाया इसके अंदर फिलिंग भरने का। दोस्तों इसे इसको दबा दबा कर अच्छे से इसका अंदर भरे, ये खोखला नहीं रहना चाहिए। तो एक तो बन गया हमारा, देखिए पूरा भर दिया मैंने, दूसरा इसी इस तरह से रखा हूँ ताकि ये अंदर का पानी सारा निकल जाए, अंदर पानी नहीं है। तो दोस्तों मैंने सारा मसाला इन 5ों में भर दिया, और शिमला मिर्च 500 ग्राम का शिमला मिर्च था, 1 किलो लाया था, 10 आया, तो 5 मैंने यूज़ कर लिया। और देखिए ये बैटर को आपको इस मोटे के तरीके से बनाना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो अब बैटर को पहले हम कढ़ाई की ओर जाएंगे, बैटर को कढ़ाई काफ़ी गर्म है, इसमें जाएगा मस्टर्ड ऑयल यानी तेल। तो तेल को भी मैं गर्म होने के लिए छोड़ दिया, जब ये काफ़ी गर्म हो जाएगा तब इसमें डालूँगी। दोस्तों जो बेसन का घोला हमने बना कर रखे हैं ना, वो बेसन का घोला को अब हम इसमें डालेंगे, ताकि ये अपने जगह से ये बाहर ना आ पाए। इसको पूरी तरीके से कवर कर देंगे। चलिए कढ़ाई में तेल और कढ़ाई गर्म है, तो कढ़ाई की ओर चले। इसको इस तरीके से आप सावधानी बरत के छोड़ना है, इसको एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। दोस्तों ये रहा चार को हमने बना लिया, देखिए इसके अंदर से कुछ नहीं आया बाहर। तो अब मैं इसको सारे कैप्सिकम को फिर से एक बार इसमें डालूंगी, और डाल के धीमी आंच में थोड़ा सा ढक के स्टीम करूंगी। दोस्तों ये बन गया है, मैंने इसको धीमी आंच में 10 मिनट ढक कर फिर इसको सबको एक साथ पकाया।
तो अब गैस को करूँगी बंद। हो गया ये दोस्तों, हमारा शिमला मिर्च भरवा बनाकर तैयार है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप ये गेस्ट आए आपके घर में, आप बनाकर खिलाएंगे तो वो कभी नहीं भूल पाएगा। पर दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे वीडियो को, और अगर पसंद आए तो कमेंट में लिख के जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। बाय बाय।